अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं मीरपुर ख़ास में और यहाँ 14 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो चलिए जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मीरपुर ख़ास के हैदराबाद रोड पर, जहाँ लोगों का काफ़ी रश होता है और बहुत ही खूब अंदाज में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ थोड़ी ही देर में काफ़ी रश होने वाला है, क्योंकि मीरपुर ख़ास से रैलियों का इंतज़ाम किया जाता है। मीरपुर ख़ास के हर इलाके से यहाँ पर लोग आते हैं और इस दिन का लोगों को बेताबी से इंतज़ार रहता है और अपने जज्बे के साथ भरपूर अंदाज से और अपने जज्बे के साथ 14 अगस्त को मनाते हैं। दोस्तों, हम मौजूद हैं इस वक्त बेनज़ीर पार्क, जहां काफ़ी फैमिलियां मौजूद हैं अपने बच्चों के साथ और यहां सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 अगस्त को। और यहां रैलियों का भी इंतज़ाम किया गया है। सामने ही आपको सब्ज परचम लहराते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी तादाद में हैं लोग। और इस तरह से ही पाकिस्तान की आवाम सेलिब्रेट करती है और यहाँ जोश खरोश से जी आप देख सकते हैं नौजवानों को किस तरह से इसको इंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मदी मेडिकल के करीब, जहाँ सब्ज परचम लहराते हुए देख सकते हैं नौजवान और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। और माशाल्लाह से हमारा परचम बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। माशाल्लाह से हमारा पाकिस्तान ऐसे ही आबाद रहे। दोस्तों, पहुंच चुके हैं बल्दिया शॉपिंग सेंटर के यहाँ और इस बच्ची के हाथ में सब्ज परचम लहराते हुए और अपने जज्बे का इजहार करते हुए आप देख सकते हैं। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश है, क्योंकि ये सामने आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन का तरीका। दोस्तों, जज्बा आपने देखा मीरपुर ख़ास वालों का, तो मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।